हेलो नमस्कार दोस्तों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक पर। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आई डिजीज़, डेफनेस और मेंटल इलनेस से रिलेटेड बात की थी। साथ ही मैंने बताया था कि अच्छी हेल्थ के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं, रिकवरी ऑफ डिजीज़ के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं और ख़राब हेल्थ के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष का ही कमाल है कि हम किसी भी डिजीज़ को एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं दशाओं और ग्रहों की स्थिति के बेसिस पर। अब आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ और डिजीज़ की, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है हार्ट डिजीज़ या हृदय रोग से रिलेटेड कौन से ज्योतिष में कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें देखकर हम किसी भी नेटिव के बारे में ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इसको फ्यूचर में हृदय रोग हो सकता है या करेंटली ये हृदय रोग से पीड़ित है। हृदय रोग के जो कॉम्बिनेशंस हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रहों ग्रह है वो होता है सूर्य, द सन। तो सन क्या होता है, इट इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ हार्ट। सूर्य हृदय का कारक होता है। जब बहुत सारे सन के ऊपर मैलिफिक इन्फ्लुएंस होते हैं, कई सारे ग्रहों के अशुभ प्रभाव होते हैं, तो हर डिजीज़ की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो किसी भी नेटिव का सूर्य यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको हर डिजीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, फिफ्थ हाउस भी एक्चुअली हार्ट का कारक होता है और काल पुरुष की कुंडली में फिफ्थ हाउस के अंदर जो साइन आता है वो आपका लियो या सिंह राशि आती है। तो सिंह राशि भी आपको देखनी है। सिंह इंडिकेट द हार्ट ऑफ द काल पुरुष, तो सिंह राशि का यदि एफ्लिक्शन है, वो पीड़ित है सिंह राशि भी किसी भी वजह से, प्लेसमेंट से, राहु केतु से या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ ग्रह वहाँ पर प्लेस दें, तभी भी हार्ट डिजीज़ की पॉसिबिलिटी नेटिव को होती है। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। तीसरे कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में या चिकित्सा ज्योतिष में दिल या हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हृदय को रिप्रेजेंट करता है। सो द फिफ्थ हाउस इंडिकेट द हार्ट ऑफ द नेटिव जस्ट एज ए सिंह राशि। द फिफ्थ साइन ऑफ द नेचुरल जोडियक इंडिकेट द हार्ट ऑफ द काल पुरुष। तो इसमें भी फिफ्थ हाउस यदि किसी भी तरीके से अफ्लिक्टेड हो या फिफ्थ लॉर्ड भी अफ्लिक्टेड हो तो ऐसे नेटिव को हार्ट डिजीज़ या हृदय रोग की पॉसिबिलिटी होती है। चौथा जो इसमें कॉम्बिनेशन देखना है वो है फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस एक्चुअल में चेस्ट को या सीने को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉम्प्लिकेशंस यदि हार्ट डिजीज़ के अंदर होंगे तो चेस्ट भी इन्वॉल्व होगा, और चेस्ट इन्वॉल्व होगा तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे व्यक्ति की सर्जरी हो सकती है, ऑपरेशन हो सकता है, और उसके लिए क्योंकि हमें पता है कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के रिकवरी के लिए या उसको ठीक करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो उसमें चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। तो फोर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल बताया, यदि आपको हार्ट डिजीज़ डिटेक्ट करनी है, देखनी है कि नेटिव को हार्ट डिजीज़ हो सकती है फ्यूचर में नहीं हो सकती है, तो हम सबसे पहले सूर्य को देखेंगे। यदि सूर्य पीड़ित है किसी भी तरीके से तो हार्ट डिजीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा, सिंह राशि को देखेंगे कि किसी भी नेटिव के कुंडली के अंदर सिंह राशि यदि पीड़ित है। और फिर हम पांचवा भाव देखेंगे, क्योंकि हार्ट या हृदय को जो भाव रिप्रेजेंट करता है वो पांचवा भाव होता है। साथ में चौथा भाव भी देखेंगे, क्योंकि हार्ट आपके चेस्ट के अंदर ही होता है और हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है यदि उसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व है तो चेस्ट की सर्जरी भी होगी। तो ये चार चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। अब हम कुछ एक कॉम्बिनेशंस की यहाँ पर बात करते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अभी जो मैंने आपको चार पैरामीटर्स बताए थे, उन्हीं पैरामीटर्स को हम किस तरीके से देखना चाहेंगे। पहला पैरामीटर है अफ्लिक्शन ऑफ द सन या सूर्य का पीड़ित होना। दिस इज़ द बाई फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कॉजिंग कार्डिक इलनेस। द सन में सफर एफ्लिक्शन ड्यू टू एसोसिएशन और एस्पेक्ट ऑफ मार्स, सैटर्न एंड राहु केतु एक्सिस,
मतलब सूर्य आपका पीड़ित हो सकता है किससे, मंगल से, शनि से, या राहु केतु एक्सिस पर है। डेबिलिटेशन मींस वो यदि नीच का हो तभी भी पीड़ित हो सकता है। थर्ड वन पीड़ित वो हो सकता है पाप कर्तरी में हो, उसके दोनों तरफ दूसरे और बारहवें भाव के अंदर अशुभ ग्रह हो, और फिर वो चौथी तरीके से पीड़ित हो सकता है, उसका रिलेशनशिप भी सिक्स एट्थ और ट्वेल्थ हाउसेज और दे आर लॉर्ड्स, छठे आठवें और बारहवें भाव से उनका रिलेशन हो या उनके लॉर्ड से रिलेशन हो, तो इस तरीके से सन अफ्लिक्ट हो सकता है। तो जो हार्ट डिजीज़ में सबसे पहले नंबर पर आता है सन, और सन का एफ्लिक्शन के चार तरीके हैं जो मैंने बताए कि उसका वो एसोसिएशन हो जाए किससे, मार्स से, शनि से, राहु केतु एक्सिस से हो जाए, दूसरा वो नीच का हो जाए, तीसरा पाप कर्तरी में हो जाए, और चौथा उसका छः आठ बारहवें भाव या उसके स्वामियों से लिंक हो जाए। तो ये आपका सूर्य का पीड़ित होना बताया। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने बताया था सिंह राशि एफ्लिक्टेड हो, तो सिंह राशि किस तरीके से एफ्लिक्टेड होगी, तो राशि एफ्लिक्ट होगी उसमें यदि या तो अशुभ ग्रह बैठे हो मैलिफिक या उसे एस्पेक्ट कर रहे हो उस राशि को, तो जिस यदि सिंह राशि को अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हो या उसके अंदर बैठे हो तो वो एफ्लिक्ट हो जाएगी। थर्ड वन कॉम्बिनेशन है एफ्लिक्शन टू द फिफ्थ हाउस, पाँचवें भाव का एफ्लिक्शन, तो पाँचवा भाव काल पुरुष की कुंडली में हृदय को रिप्रेजेंट करता है, तो पाँचवें भाव का किस तरीके से एफ्लिक्शन होगा, बाय एसोसिएशन और एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल मेलिफिक और द लॉर्ड ऑफ थ्री हाउसेस, या तो उसमें नेचुरल मेलिफिक मतलब मंगल आ जाए, शनि आ जाए, राहु केतु एक्सिस आ जाए, या छः आठ बारहवें भावों के स्वामी उसके अंदर आकर बैठ जाए या उसे देख रहे हो। अब फिफ्थ हाउस आपको कहाँ से देखना है, केवल फिफ्थ हाउस लग्न से ही नहीं देखना है, हमें फिफ्थ हाउस लग्न के साथ साथ सूर्य से भी देखना है, और जिस भी ग्रह की दशा और अंतरदशा चल रही है उससे भी आपको फिफ्थ हाउस को देखना है। तो फिफ्थ हाउस देखना है फ्रॉम द लग्न, फिफ्थ हाउस देखना है फ्रॉम द सन, एंड फिफ्थ हाउस फ्रॉम द MD एंड AD। तो फिफ्थ हाउस यदि एफ्लिक्टेड हो बाई नेचुरल मेलिफिक या छः आठ बारहवें भावों के स्वामी यदि फिफ्थ हाउस को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, तो वो भी आपका हृदय रोग के लिए एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वन आता है एफ्लिक्शन टू द फिफ्थ लॉर्ड, तो पाँचवें भाव का स्वामी भी यदि एफ्लिक्टेड है तो वो भी आपका हार्ट डिजीज दे सकता है। एफ्लिक्शन किससे होगा, नेचुरल मेलिफिक और बाई लॉर्ड ऑफ द थ्री हाउसेस, मतलब जो अशुभ ग्रह या छः आठ बारह भावों के स्वामी उसे पाँचवें भाव के स्वामी को यदि अफ्लिक्ट कर रहे हैं तो वो भी हृदय रोग का कारक हो जाएगा। फिर आता है द फोर्थ हाउस, द एफ्लिक्शन ऑफ फोर्थ हाउस फ्रॉम द लग्न, ये फोर्थ हाउस भी आपको लग्न से देखना है और सूर्य से देखना है, ये भी आपका चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस और सर्जिकल ट्रीटमेंट को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे फोर्थ हाउस को, इसके लॉर्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो फोर्थ हाउस भी हम देखेंगे फ्रॉम द लग्न एज वेल एज फ्रॉम द सन। और लास्ट वन जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है दशा स्कीम, किन ग्रहों की दशा और अंतरदशा चल रही है, हमको MD और AD दोनों देखनी है। तो यदि सफिशेंट एफ्लिक्शन है, आपने देख लिया कि ये सारी चीज़ें एफ्लिक्टेड हैं, ऊपर जो बताया है सूर्य एफ्लिक्टेड हो गया, फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड हो गया, या आपका सिंह राशि एफ्लिक्टेड होगी, या फिफ्थ लॉर्ड हो गया, फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड हो गया, अब हमें दशा स्कीम देखनी है। तो यहाँ पे जो दशा है वो होनी चाहिए जिन ग्रहों की प्लैनेट एसोसिएटिंग विद द सन, सूर्य से एसोसिएटेड हों, फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड से एसोसिएटेड हों, वो कार्डिक इलनेस होगी। तो सूर्य से एसोसिएटेड हो जाएँ, फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड से एसोसिएटेड हो जाएँ, तो वो कार्डिक इलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से यदि अंतरदशा किसी रेट्रोग्रेड प्लैनेट की चल रही है और वो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, और यदि MD महादशा किसी मेलिफिक की अशुभ ग्रह की चल रही है तो हार्ट डिजीज दे सकती है। मतलब ओवरऑल कॉम्बिनेशन ये हुआ कि महादशा अशुभ ग्रह की है और अंतरदशा उसके अंदर किसी रेट्रोग्रेड प्लेनेट की चल रही है, और रेट्रोग्रेड प्लेनेट आपका फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो वो हार्ट डिजीज दे सकता है। तो आज हमने बात की हृदय रोग से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस की, आप देखते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊँगा कुछ और कॉम्बिनेशंस रिलेटेड टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।